खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आष्टा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइट पर से ठेकेदार का ट्रक और 90 बोरी सीमेंट चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने महज 48 घंटों में धर दबोचा। पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार सतपाल पिता पृथ्वी सिंह, मनोज पिता बाबूलाल, कैलाश पिता राकेश बहादुर पिता गजराज निवासी छोला रोड भोपाल को मैशरूक गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी भंवर सिंह भूरिया ने बताया कि यदि आशिक पिता हबीब खान निवासी भीमपुरा आष्टा है, आष्टा में रिपोर्ट लिखाई थी कि चिन्मय ठेकेदारी का काम करता हूं और दिनांक 29 मार्च को रात करीब 11 बजे मेरे साथ काम करने वाले जीवन सिंह अपनी भीमपुरा वाली साइट पर गए थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि क्यों वहां रखी 300 बोरियां इंफ्रासेम कंपनी की सीमेंट की बोरियां नहीं थी। बाद में शेष बची बोरियों की गिनती करने पर पाया कि 390 बोरियां अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर ली गई हैं, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय सिसेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव, एसडीओपी आष्टा वीरेंद्र मिश्रा द्वारा टीम का गठन किया गया और आष्टा थाना प्रभारी कुलदीप खत्री और अमला हाईवे चौकी प्रभारी भंवर सिंह भूरिया को मामले की जाँच सौंपी। श्री भूरिया द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा जाँच शुरू की गयी और मुखबिर की सूचना पर सोंडा के समीप लालाखेड़ी रोड पर एक ट्रक के खड़े होने की, जिसमें संदिग्ध 4 व्यक्ति बैठे होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आमला चौकी प्रभारी भंवर सिंह भूरिया के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और ट्रक सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार ट्रक और 16 बोरी सीमेंट फिलहाल जब्त कर ली गई है। शेष बची सीमेंट की बोरी की जानकारी पकड़े गए आरोपियों से ली जा रही है। पुलिस द्वारा ट्रक सहित 8,50,000 का मशरूका जब्त किया गया है और आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी कार्यवाही में एसआई भगत सिंह भूरिया, एसआई एसके शर्मा और अमलाहा चौकी स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।